हाय, क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन है कि जो आपके लिए सीक्रेटली ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, अच्छी दुआएं कर रहा है? और कौन कौन सी दुआएं वो दे रहे हैं, क्या है एग्जैक्टली वो ब्लेसिंग्स के जो वो भेज रहे हैं? इस वीडियो में हमारे पास पांच अलग अलग ऑप्शंस है, उसके द्वारा हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से ब्लेसिंग्स अलग अलग ऑप्शन के लिए है। ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है। और यस, काफी बार आपने देखा होगा मुझे पहनते हुए। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है ये शालीग्राम का स्टोन है, तो आप इसे देख सकते हैं, शालीग्राम है ये। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये नर्मदा लिंक। ओके, ये नर्मदा नदी के पास एक स्पेशल पत्थर है कि जो पाया जाता है, इसे पहनने से, इसको अपने पास रखने से आपका कुंडलिनी अवेकनिंग का जो एनर्जी है बहुत अच्छे से बैलेंस में रहता है, राइट? काफी ज्यादा लोगों ने ये पाया होगा कि कुंडलिनी जागरण के टाइम पर बहुत ज्यादा एनर्जीज इम्बैलेंस हो सकती है। तो नर्मदा लिंक साथ में रखने से काफी ज्यादा आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड रहती है। अगला ऑप्शन है ये, ओके, क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप देख सकते हैं। ओके, स्फटिक का स्टोन है जो नेचुरली इसी अवस्था में होता है, वो है ये स्फटिक। और आखिरी ऑप्शन हमारे पास है वो है मंदिर की घंटी। ओके, तो जी हाँ, अब ये सारे ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन कैसे चुनेंगे? तो आपको जैसे ही मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाऊंगी, आपको एक ऑप्शन चुनना है कि जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, और उस ऑप्शन का आपको चुनना है, और उस ऑप्शन के रिलेटेड जो वीडियो है उसे देखना है नीचे टाइम स्टैम्प्स में से। ओके, तो चलिए, सारे के सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। चलिए, अब अगर आपने ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट चूज किया था, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहले कौन है कि जो आपको आशीर्वाद भेज रहा है? तो सबसे पहला है ये कार्ड। ओके, दिस एक्चुअली शोज ये कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो आपको कभी पैसे नहीं देते हैं। ओके, उधार भी नहीं देते हैं आपको, ऐसे भी नहीं देते हैं, किसी चीज की मदद भी नहीं करते हैं, आप मांगते हैं तो भी नहीं देते हैं। ओके, कोई चीज की मदद, पैसे की मदद, किसी और भी तरह से आप कुछ मदद की जरूरत होती है तो भी ये किसी तरह की मदद आपको नहीं देते हैं। ओके, और ये ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने अपने जीवन में काफी ज्यादा सक्सेस हासिल किया है, अपनी बदौलत पर सक्सेस हासिल किया है, और ये वो व्यक्ति है कि जो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक लेवल पर है। शायद आई थिंक इन्होंने अपना क्राउन चक्र जो है इन्होंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, और इसीलिए ये व्यक्ति, इनको पता है कि इनका कर्म का जो सारा कनेक्शन है सारा खत्म हो चुका है। ओके, तो जिस व्यक्ति ने अपना क्राउन चक्र ओपन कर दिया होता है, उसके यूजुअली सारे सारे के सारे कार्मिक कनेक्शंस उसने चुका दिए होते हैं, कि जिसकी वजह से ये ज्यादा कर्म बनाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कार्मिक कंप्लीशन का कार्ड देख सकते हैं, तो इस वजह से आपकी ये मदद नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरा है कि एडवेंचर, इनको काफी ज्यादा एडवेंचरस जीवन अच्छा लगता है, ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, काफी मेडिटेशन वगैरह करते हैं। हो सकता है आपने इनको कभी मेडिटेशन करते हुए देखा नहीं है। ओके, हो सकता है इनको कभी भी आध्यात्मिक लेवल की बातें करते हुए नहीं देखा है, लेकिन इनके अंदर इतना पावर है कि हो सकता है शायद वो ऐसी अवस्था में ऑटोमेटिकली उतर सकते हैं। ओके, अब इन्होंने आपको आशीर्वाद क्या दिया है, कौन सी दुआएं ये आपके लिए देते हैं? ये आपको दुआ देते हैं कि आपका मन हमेशा शांत रहे, और आप समृद्धि आप खुद के लिए बनाना सीख जाएं। ओके, बिकॉज आप काफी ज्यादा पैसे उनके पास आपने आज तक मांगे हैं, लेकिन उन्होंने शायद देना बंद कर दिया है, या फिर पहले से नहीं देते हैं। आर यू हैविंग सक्सेस विथ योर बिजनेस? तो अगर आपने सक्सेस देखा नहीं है, तो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि आपको ज्यादा सक्सेस मिले आपके करियर में। हाँ, और ये चाहते हैं कि आपका मन ज्यादा शांत रहे, आपकी एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव रहे। ओके, यू आर, और आप बहुत ज्यादा लकी बने, आप बहुत ज्यादा
फॉर्चुनेट ओके, बहुत ज्यादा नसीब वाले आप बने, ऐसा आशीर्वाद ऐसी दुआएं ये आपके लिए देते हैं। दूसरा कार्ड है ये, हैव यू नोटिस दैट दीज आर पीपल और सिचुएशंस दैट नीड टू बी रियल ट्रुथ टू बी रिवील्ड। ये चाहते हैं कि आप सी आप हो सकते हैं कि आप आध्यात्मिक लेवल पर ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, ये चाहते हैं कि आपको भी रियल ट्रुथ पता चले, आपको भी आध्यात्मिक जो सच्चाई है वो भी पता चले। आर यू रेडी टू ब्रेक थ्रू द इल्यूजन्स ऑफ अदर्स और परहैप्स द इल्यूजन्स यू हैव क्रिएटेड। आपने काफी ज्यादा इल्यूजन्स, काफी ज्यादा माया है कि जो आपने क्रिएट की है, कि जो ये चाहते हैं कि आप तोड़े। ओके, दिस टाइम इट्स टाइम फॉर यू फॉर टू वर्क थ्रू द इमोशंस दैट क्रिएट मिसकंसेप्शंस। काफी ज्यादा धोखा है कि जो यू नो यूजुअली भावनाओं का बवंडर जब आता है तो आपको शायद बहा कर ले जाता है, आपको सच्चाई नहीं पता चलती है। एज योर ड्रीम, यूज योर ड्रीम्स एज अ टूल टू बैलेंस योर इमोशंस, इट इज इजी फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म द चैलेंजेस ऑफ योर पास्ट टू लेट योर ट्रू नेचर शाइन थ्रू। ये चाहते हैं कि आपका जो रियल स्वभाव है वो सच में बाहर आए, बिकॉज ये जानते हैं कि आपने अभी तक अपना रियल स्वभाव बाहर नहीं लाया है। ओके, इनका एक विजन है, ये जो सब कुछ मैंने कहा ये इनका विजन है, और ये चाहते हैं कि ऐसा आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर सच में आए। ये कार्ड कहता है शिफ्ट ऑफ योर एनर्जी, यू नो ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करें और बेहतर इंसान बने, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इनको पता है कि आप आध्यात्मिक लेवल पर जरा भी आगे नहीं बढ़े, लेकिन आपका जो इल्यूजन है, आपकी जो माया है, उससे आपको छुटकारा मिलना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। ओके, तो जी हाँ, शिफ्ट ऑफ एनर्जी उसका संकेत है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आशा करती हूँ ये रीडिंग आपकी हेल्प करे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने ये शालीग्राम का पत्थर सिलेक्ट किया था तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन है कि जो आपको आशीर्वाद भेज रहा है, आपके लिए दुआएं कर रहा है, और क्या एग्जैक्टली है वो दुआएं। ओके, सबसे पहले कौन है वो व्यक्ति। ओके, तो ये ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ आपका इमोशनली यू नो आपने उनका दिल दुखा दिया है, जिसकी वजह से ये आपसे रूठ कर चले गए हैं। ओके, और हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा इनको इमोशनली इनको इतना ज्यादा अत्याचार किया है। हो सकता है, देखो आप एक तरह के अज्ञान के अंधकार में है कि जो इनको पता है, और इसी वजह से आपने शायद इनको इमोशनली इतना ज्यादा आहत कर दिया है कि ये आपसे दूर चले गए हैं। ओके, आप उनके पास जाते हैं तो भी ये बात नहीं करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इनके साथ आप जरा भी आप यू नो चू चा नहीं कर सकते हैं ज्यादा कुछ भी इनका, या मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, इनके साथ आप 19-20 नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा इनके अंदर धीरज है। ओके, तो ये स्लो भी हो सकते हैं अपने मूवमेंट्स में, जो काम करते हैं बहुत धीरे धीरे करते हैं। हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपने अपना आपा खो दिया, आपने अपना पेशेंस, आपके अंदर से धीरज खो गया, कि आप इनका इंट्यूशन काफी ज्यादा पावरफुल है, आपके ना बताने पर भी शायद इनको पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, और इन्होंने शायद यू नो अपना अगर कोई चक्र के ऊपर काम किया है तो मूल आधार चक्र इन्होंने खोल कर रखा है। ओके, जिसकी वजह से इनका फाइनेंशियल स्टेटस यू नो नॉर्मल, इनका लाइफ काफी स्टेडी है। अगर ज्यादा पैसे वाले नहीं है तो भी सही है, फिर भी इनका लाइफ अच्छी तरह से स्टेडी है भौतिक लेवल पर, शरीर भी हेल्दी है। ओके, अब इन्होंने दुआएं क्या दी है वो देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी सभानता है वो बढ़े। यू नो आर यू टू जजमेंटल, शायद आपका जो जजमेंटल स्वभाव है, अच्छा ये तो ऐसे ही है, ये तो बुरे हैं, इन्होंने तो ऐसा कर दिया। यू नो जजमेंटलिज्म ऐसा होता है कि जहां पर आप दूसरों के बारे में एक तरह से जजमेंट रखते हैं अपने मन में कि ये इंसान तो ऐसा ही है। अगर किसी इंसान ने कभी यू नो किसी के पैसे नहीं चुकाए, आपको वजह नहीं पता है, लेकिन आपने तुरंत ही जज कर दिया, अरे वो बंदा तो चीटर है, उसने पैसे लिए और अब चुका नहीं रहा है, तो उसे जजमेंटलिज्म कहते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि उन्होंने ब्लेसिंग्स आपको दिए हैं कि आप अपना जजमेंटल होना उसका स्वभाव आप कम करें। ओके, एस्टैब्लिश द स्पेस टू मेक ऑर्डर आउट ऑफ केओस, गेन क्लैरिटी ऑन डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। हो सकता है कि आपने
इनको यस आपको लग सकता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन आप जज कर रहे थे इनको एक्चुअल में, ओके okay? और इनको जो आपने इनको जज किया वो नहीं अच्छा लगा और इसीलिए शायद ये आपसे रूठ कर चले गए हैं, लेकिन इनकी दुआ यही है कि आपको जजमेंटल होना और ऑब्जर्वेशन करना दोनों के बीच में फर्क जरूर पता लगे, ये चाहते हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि आपका कॉन्शियसनेस आपका अवेयरनेस बढ़े। ये कार्ड कहता है इट इज टाइम टू ट्रांसफॉर्म अ चैलेंजिंग सिचुएशन, यू नीड टू शेयर लेयर्स ऑफ इमोशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट, आर यू कंप्लीटिंग अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इट इज टाइम टू फाइनलाइज रिलीजिंग द व्हिच दैट व्हिच इज ओल्ड एंड वर्न, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू स्टार्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज आर बिफोर यू, बी ओपन एंड एम्ब्रेस द न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो ये ऐसे है कि जो चाहते हैं कि आपके अंदर जो इमोशंस और डिसअपॉइंटमेंट्स है, अलग अलग लेयर के इमोशंस है कि जो आपने पकड़ कर रखे हैं, ओके okay? किसी ना किसी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको बेहतर बनना है जो अभी तक आप नहीं बने हैं, तो इनका प्रेयर ये है कि आप अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, अच्छी तरह से आप अपने आप को इमोशंस को आप रिलीज करना सीखें, ओके okay? काफी ज्यादा बुरे इमोशंस है कि जो आपने इनको दिखाए हैं, इनको दिए हैं, ये चाहते हैं कि वो सारे नेगेटिव इमोशंस से आप छुटकारा पाए, ओके okay? और ये चाहते हैं कि आप अपनी सोच, यस सोच का लेवल बढ़ाएं, ऐसी ये दुआ कर रहे हैं आपके लिए, ये आशा करते हैं कि आप ये सब ऐसा सब कुछ बन जाएं, हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, कुछ ऊंचा थिंकिंग का लेवल बनाकर रखें, ज्यादा खुशी वाले इमोशंस पर आप फोकस रखें, और ऐसा अगर आप रखते हैं तो ये आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन जब तक आप ये बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ये आपके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, लेकिन आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, ओके okay? दुआएं मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या दुआएं कर रहे हैं, तो यस yes, तो ये है सारी दुआएं कि जो ये आपके लिए कर रहे हैं। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओके okay? मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, चलिए अब अगर आपने ये नर्मदा लिंग का स्टोन आपने सिलेक्ट किया था तो यस देखते हैं आपके लिए कौन दुआएं कर रहा है और क्या एग्जैक्टली दुआएं की जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ये दो कार्ड्स, यू नो ये कार्ड्स बताते हैं ये कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके फैमिली का ही है, और ये है वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा यू नो फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा उनको फिजिकल काम रहता है, यहां से वहां दौड़ो यहां से वहां दौड़ो, ऐसा काम ये बहुत ज्यादा करते हैं। चांसेस ज्यादा है कि ये फीमेल हो सकते हैं, ओके okay? या तो आपकी पत्नी हो सकती है या तो आपकी माता हो सकती है, ज्यादा चांसेस है कि माँ हो सकती है, ओके okay? कि जो ये व्यक्ति है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं देते रहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, ओके okay? तो ये जो है इनका गॉड के साथ कनेक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत प्रेयर करते रहते हैं गॉड को, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा जब भी ये प्रेयर करते हैं आपके लिए हमेशा वो प्रेयर सच हो जाती है, ओके okay? आपको कुछ हुआ वो जाकर मंदिर जाते हैं या फिर किसी भी रिलीजियस जगह पर जाकर प्रेयर करते हैं और अब दूसरे ही दिन आप ठीक हो जाते हैं, तो ये है उनका पावर, ओके okay? जी हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इनका सरेंडर का पावर बहुत ज्यादा है गॉड में, इतने ज्यादा ये सरेंडर रहते हैं के मतलब इनकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी साकार हो जाती है, ओके ये है। फिर ये है कि जो कम्युनिटी के साथ मतलब सोसाइटी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, इनका लोगों के साथ बहुत अच्छा माइंड मैच होता है और ये आपकी काफी ज्यादा प्रशंसा करते हैं दूसरों के सामने, जनरली भी ये आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते रहते हैं। तो व्यक्ति कौन सा है आपको पता चल गया, अब देखते हैं इन्होंने दुआएं कौन सी दी है। सबसे पहले है ये कार्ड, यू नो इनको पता है कि आप अपने जीवन में किसी तरह की मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इनको पता है कि आप एक बुरे समय से गुजर रहे हैं जहां से आपको एक अच्छे लेवल पर जाना है, बुरा समय नहीं हो सकता है, तो ऐसा टाइम हो सकता है क्योंकि एक तरह से आप जिस लेवल पर जी रहे थे अब टोटली कुछ नए लेवल पर आपको जीना है, तो ये कैसा लेवल हो सकता है, मानो कि स्कूल की पढ़ाई आपने खत्म कर ली और कॉलेज में आपको जाना है, तो कहीं दूर जाकर आपको एडमिशन मिला है जहां पर जाकर आपको स्टडी करना है, जो हो सकता है ये ट्रांजिशन, और क्या हो सकता है कि जो ये बदलाव है कि जैसे कि आपका कॉलेज खत्म हो गया है, आपका सर्टिफिकेशन आपको मिल गया है और आपको कहीं पर जॉब मिल रहा है बहुत ही अच्छा, तो वहां पर वो जो बदलाव है वो आप कैसे करेंगे,
उसके लिए आपकी ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छे से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ताकि वो जो बदलाव है, वो जो नया पड़ाव है, आप बहुत ही अच्छे से उसमें एडजस्ट कर सके। जी हाँ, यू नो, आपको बहुत ज्यादा, जैसे ही ये प्रेयर करेंगे, जैसे ही आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजेंगे, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने आपके लिए एक तरह से इनिशिएशन, यू नो, एक इनिशिएशन का प्रोसेस, किसी को दीक्षा मिलती है उस तरह की एनर्जी जब फील होती है, आपको इनके ब्लेसिंग्स कुछ उस तरह से फील होंगे। चेंज ऑफर्स स्टेपिंग स्टोन्स टू अ हायर लेवल ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो जी हाँ, आपको अपना विजडम, आपको अपना माइंडसेट कुछ अलग लेवल पर लेकर जाने की जरूरत है। उनका ब्लेसिंग ये है कि आपका माइंडसेट पूरी तरह से नए शिफ्ट के मुताबिक अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए और आप बहुत अच्छे से नया जो बदलाव आ रहा है उसके आधार पर अपने आप को गढ़ पाए, ऐसा कुछ ब्लेसिंग है उनका। इसी के साथ साथ इनको पता है कि आप अकेले जाने वाले हैं कहीं पर, कोई जो बदलाव है वहां पर, आप उस जगह पर, उस परिस्थिति में टोटली अकेले होंगे, तो काफी आपके लिए प्रोटेक्शन, ओके, आपके लिए प्रोटेक्शन भेजा जा रहा है। आपके जो फीलिंग्स, इमोशंस, यू नो, आप इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि आप दूसरों की एनर्जीज, दूसरों के इमोशंस आप फील कर सकते हैं। ओके, तो ये जानते हैं और इसीलिए ये आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह से सुरक्षित रहे, चाहे जितने भी लोगों की एनर्जीज आप फील ना क्यों ना करते हो, कि आपको, यस, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप ऐसे बन जाएं कि जिससे आप नेगेटिव एनर्जी को, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उनका एनर्जी आप ऑटोमेटिकली आप रिपेल करना शुरू कर दें और जो अच्छी एनर्जीज है वही आप अपनी सिस्टम में लें। ओके, हाइटन योर वाइटैलिटी। वाइटैलिटी मतलब आपका बॉडी का स्ट्रेंथ, आपका बॉडी का, यस, कुछ भी काम करने की शक्ति, आपका हेल्थ का नॉर्मल वाइटैलिटी वो बढ़े, ऐसा ब्लेसिंग ये भेज रहे हैं। ओके, अब सी, आई नो कि ऐसी जो ब्लेसिंग है यूजुअली माता ही भेजती है, मम्मीज जो होती है वही ऐसी ब्लेसिंग्स भेजते हैं और उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बच्चे से, बस बच्चा तंदुरुस्त रहना चाहिए, दैट इज व्हाट अ मदर वांट्स। ओके, उसी के साथ ये है क्लियर आउट द ओल्ड। देखो, पुराना जो खत्म हो चुका है उसे अपनी लाइफ से दूर करना और नए शिफ्ट के लिए तैयार होना, यहाँ पर वापस ये है क्लियर आउट द ओल्ड। पुरानी सारी जो मान्यताएं हैं उससे आपको ये आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके मन में से हट जाए और आप जो नया बदलाव आ रहा है उसके लिए टोटली रेडी हो जाए। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। ओके, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये स्फटिक का क्रिस्टल है, तो देखते हैं आपके लिए कौन ब्लेसिंग्स भेज रहा है और क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले, यू नो, ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति है कि जो पैसे उनके पास, यू नो, ये मुझे लग रहा है कि ये पास्ट में कोई व्यक्ति है, पास्ट का आपका कोई रिलेशनशिप, अगर आप स्त्री है तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, और अगर आप पुरुष है तो आपका कोई मित्र हो सकता है कि जो ये आपके लिए दुआएं कर रहा है। ओके, तो ये है कि जो मित्र को अगर पहचाना है तो उसके पास पैसे कम होते थे, लेकिन कम पैसे में बहुत अच्छे से वो मैनेज कर लेता था। इट इज नॉट दैट कि उसके पास कम पैसे थे बिकॉज वो गरीब था, ऐसा नहीं था, वो चाहे तो वो बहुत ज्यादा पैसे वो ला सकता था, लेकिन उसको चाहिए नहीं थी, यू नो, ज्यादा उसको मोह माया नहीं चाहिए थी। वो ऐसा व्यक्ति है कि जो मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करता था, ओके, मल्टीटास्किंग करता था, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा हमेशा हड़बड़ी में रहता था, यहां से वहां, वहां से यहां, काम हमेशा करता रहता था। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, ये दोनों आपको दिखाते हैं किस तरह का उसका बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, तो दुबला पतला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बॉडी मतलब पतला सा, लेकिन यार दुबला सा नहीं, ओके, पतला सा इंसान, लड़का कोई, ओके, ऐसा हो सकता है कि जो आपके लिए ऐसी दुआएं कर रहा है। अब क्या दुआएं कर रहा है वो देखते हैं। यू नो, ये जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा कई बार लोगों का ध्यान खींच लेते हैं अपनी तरफ, फिर जब बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान आप पर आ जाता है तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, इन्हें ये पता है, और इसीलिए ये ब्लेस करते हैं, ये दुआएं करते हैं कि
आप काश ऐसा सीख जाए कि आप ज्यादा दूसरों का ध्यान अपने प्रति ना खींचे. ओके, डू यू अंडरस्टैंड वोकलाइजेशन इवन इफ इट्स दे आर्ट इन द नेटिव टंग कॉम्प्रिहेंड कम्युनिकेशन ऑफ नेचुरल एनिमल्स. ओके, मुझे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है उसके साथ आपका कांटेक्ट छूट गया है. ओके, छूट गया है और ये वापस बना नहीं रहे, शायद पता नहीं आप भूल गए हैं या ऐसा कुछ, लेकिन ये ऐसा है कि इनका कांटेक्ट छूट गया है. यस, अगर आपका एक्स है तो डेफिनेटली बिकॉज ब्रेकअप हुआ तो कांटेक्ट छूट गया, लेकिन इनके साथ कांटेक्ट छूट गया है. ये चाहते हैं कि ये आपको ब्लेसिंग्स भेजे और पशुओं के द्वारा और नेचर के द्वारा वो ये ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं. ओके, और ये ऑलरेडी यू नो एनर्जेटिकली नेचर के द्वारा पशु के द्वारा भेज रहे हैं ब्लेसिंग्स, और ये देखना चाहते हैं कि आपको वो ब्लेसिंग्स मिलते हैं कि नहीं. ओके, बिकॉज यस, जब वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे तब आप कुछ उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ब्लेसिंग्स भेजे हैं. ये कार्ड कह रहा है कि हैव यू बीन फीलिंग ओवरवेल्ड, आर यू ट्राइंग टू सॉर्ट थ्रू थॉट्स फीलिंग्स एंड डिटेल्स टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग, आर यू एबल टू एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट ऑल दैट इज हैपनिंग बोथ फिजिकली एंड इमोशनली. ये जानते हैं कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं, इमोशनल और मेंटली माइंड के आपके जो थॉट्स है, इमोशंस, आपको हैंडल करना कई बार मुश्किल हो जाता है आपके लिए, कि जो ये जानते हैं. टेक द टाइम टू मेक लिस्ट एंड जर्नल टू सॉर्ट थ्रू थिंग्स, ड्रिंक वाटर टू डी. ये भी जानते हैं कि आप पानी पीना भी भूल जाते हैं कई बार, और इनकी दुआ ये भी रहती है कि भाई पानी पीना तो इसको याद रहना चाहिए. ओके, और इनकी एक और दुआ है कि ये आप रिलेशनशिप की कद्र करना सीखे और अच्छी तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन करना सीखे. हो सकता है कि पास्ट का आपका जो इनके साथ रिलेशन था शायद इसी वजह से टूटा, क्योंकि आप रिलेशनशिप अच्छी तरह से हैंडल करना नहीं जानते थे. लेकिन इनकी दुआ यही रहती है कि आप काश वो सीख जाए ताकि आप भविष्य में ऐसे किसी को खो ना दे. ये कार्ड है बाउंटिफुल हार्वेस्ट, आपको दिखाता है, या ये आपके लिए चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा समृद्ध रहे, अच्छी दुआ है. और हाँ, जैसे मैंने कहा, कुदरती एनर्जीज के द्वारा, पशुओं के द्वारा ये आपको ब्लेसिंग भेजना चाहते हैं. ओके, और हो सकता है कि आपके आसपास कुछ पशु जब भी आते हैं आपको कुछ स्पेशल फीलिंग होती है, किसी अलग तरह की एनर्जी फील होती है, तो हो सकता है वो इनका संदेश, इनका, इनके गुड विशेस लेकर आया है. ओके, तो जी हाँ, तो ये है वीडियो आपके लिए. आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद करे. मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. चलिए, अगर आपने मंदिर की घंटी चुनी थी तो देखते हैं कौन है कि जो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहा है, और एग्जैक्टली क्या है कि जो ब्लेसिंग्स वो भेज रहे हैं. तो ये ऐसे व्यक्ति है कि जो बचपन में आप जिसके साथ खेले हैं. ओके, तो ये आपके पड़ोसी कोई हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहते थे, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कजिन हो सकते हैं, कि जिसके साथ अपने बचपन में आप बहुत ज्यादा इनके साथ खेले हैं. ओके, ये आपकी अंकल की साइड के कोई रिलेटिव थे. ओके, अंकल की साइड से कोई थे, या फिर रिलेटिव नहीं तो अगर पड़ोसी भी थे तो कोई स्पेशल तरह के कोई अंकल थे पड़ोस में, कि जिसके बच्चे थे ये. ओके, और ये जो है ये कोई पुरुष है. ओके, ये हो सकता है कि ये कोई पुरुष है, आप चाहे स्त्री या पुरुष है, ये कोई पुरुष थे. ओके, और आपका इनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. ओके, यस, बच्चों का जो प्यार होता है वो कह रही हूँ. और बहुत अच्छे से यू नो आप एक दूसरे को संभालना जानते थे. मॉडरेशन का कार्ड है, एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कैसे दूसरे के वो व्यक्ति को चिढ़ाया जा सकता है, मतलब इन आप दोनों को पता था कि क्या चीज करने से सामने वाला व्यक्ति आहत हो सकता है, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे. आप हमेशा रिलेशनशिप की बाउंड्री में रहते थे. ये कार्ड कहता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. तो ये कार्ड दिखाता है कि जी हाँ, मतलब आप जब भी बहुत ज्यादा, जब इनसे मिलते थे बहुत ज्यादा आप खुश होते थे, आप भी इनके घर पे जाते थे, ये भी आपके घर पे आते थे. ओके, खेलने के लिए. और जब भी आते थे आप सब मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा खेलते थे. ओके, सो दैट वाज के जहां पर आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते थे.
ये मुझे बताता है वजह कि क्या क्यों आप दोनों का रिलेशन और ज्यादा, मतलब जो भी है आपका फ्रेंडशिप है, आप दोनों कजिन्स है, आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा क्यों नहीं चल पाया, तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। मगर मतलब कि आप दोनों, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे आपके फैमिली के पास, या तो इस व्यक्ति की फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे कि जिसकी वजह से शायद रिलेशन है ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हो सकता है इसी जिस जो व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल था वो ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता था ऐसे व्यक्ति के पास साथ जिसके पास पैसे ज्यादा नहीं है, हो सकता है। ओके, उसी के साथ साथ एक और चीज हो सकती है कि जिसके पास पैसे नहीं थे ज्यादा, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता था कि जो फाइनेंशियली स्टेबल है उनके साथ मिक्सअप करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने कॉन्टैक्ट कम कर दिया। दोनों में से कोई भी वजह हो सकती है। ओके, लेकिन इंसान आपको पता चल गया कौन सा व्यक्ति हो सकता है ये। ओके, और जी हाँ, ये ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि जिसके घर पे कोई पालतू जानवर था। ओके, अब ब्लेसिंग एग्जैक्टली क्या है कि जो ये भेज रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग है, दुआ है, क्या कर रहे हैं, देखते हैं। देखो, इनको पता है कि आप एक तरह से लीडर, एक तरह से टीचर रहे हैं। बचपन में भी आप जब खेलते थे सारे बच्चों में आप एक लीडर की तरह थे, या तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा शर्मीले थे, आप कभी सेंटर स्टेज नहीं ले सकते थे, बहुत ज्यादा आप छुपकर भाग जाते थे, आप किसी का सामना नहीं कर सकते थे। जो भी है, इनकी दुआ ये है कि आप लीडरशिप बहुत अच्छे से आप सीख जाएं। ओके, टैप इनटू द पार्ट ऑफ यू दैट इज सोशियबल एज वेल एज यस सो, मतलब आपको व्यवहार और जिंदगी ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, ऐसी इनकी दुआ है। इनको हो सकता है कि पता है कि आपको ज्यादा मिक्सअप होना नहीं अच्छा लगता है, आप इतने मतलब आप ज्यादा शर्मीले हैं, ज्यादा शांत चुप चुप से हैं। लिसन टू द स्टोरीज अदर्स हैव टू टेल, एंजॉय द कंपनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, अलाउ इमोशनल कनेक्शन विद अदर्स एंड फाइंड फुलफिलमेंट इन दैट कनेक्शन। ओके, ये चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इमोशनली लोगों के साथ कनेक्शन करना सीख लें, और आप यस सबके साथ रिश्ता बैलेंस करना भी सीख लें। ओके, जी हाँ, ये है। और ये क्या कह रहा है कि I can comfort myself and feel nurtured. Okay, तो ये हमारा मैसेज है। ये जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। Have you noticed that you are extremely sensitive towards the thoughts, feelings, emotions and physical challenges of others? आप दूसरों की भावनाओं, दूसरों के विचारों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। It is time to find mental peace and tranquility in your life. ये चाहते हैं कि आपका जीवन शांति से चले। Okay, take the time to meditate, relieve your mind of the incessant chatter, observe life in a detached manner and focus on what is truly important. जी हाँ, ये चाहते हैं कि आप जीवन में जो सबसे ज्यादा important है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर focus ज्यादा करें। ये कार्ड कहता है, ये चाहते हैं कि आप yes, life में जो आपको मिला है उसके प्रति ज्यादा शुक्रगुजार रहें, not exactly कि जो नहीं मिला है उसके लिए रोते रहें। ओके, ये चाहते हैं कि आप जो भी आपको मिला है लाइफ में उसके लिए यू आर थैंकफुल। ओके, आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप थैंकफुल रहते हैं, उसी के साथ साथ आप उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसे नहीं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को। और ये चाहते हैं कि आप खुश रहें। ओके, लाफ्टर का कार्ड है, ये चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें। तो आई डू फील के चांसेस है कि इनके साथ आपका वापस कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपको याद हमेशा करते हैं और आपके लिए दुआएं हमेशा भेजते रहते हैं। ओके, और आप चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट इनके साथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई डोंट थिंक कि ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे कॉन्टैक्ट करने की। बट यस, वो आपको हमेशा विचारों में याद रखते हैं, दुआओं में आपको हमेशा याद करते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वैसे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।